निकाय चुनाव को लेकर मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। हालांकि कुछ प्रत्याशी कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है और उनकी जीत पक्की है। हापुड़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 12 के सभासद पद के बसपा से प्रत्याशी सलाउद्दीन पहलवान ने बताया कि वह रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे और साथ ही चेयरमैन पद पर पुष्पा देवी विजयी होंगी। बिल्कुल साफ जाहिर हो चुका है कि जिस फूट का लोग फायदा उठा जाते थे, आज वो फूट नहीं है। आज जाटों समाज और मुस्लिम समाज एक हो चुका है और ये समझो हम एक और एक 11 होते हैं। इंशाल्लाह जीत ऐसी दर्ज करने के रिकॉर्ड तोड़। जनता के बीच में अब आप हालत देख लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी नाली खरीदे नहीं है। शिवगढ़ी मस्जिद पर कोई नहीं देखता। आज हमने ये बिल्कुल मतलब संकल्प लिया है कि हम सब एक होकर के श्रीमती पुष्पा देवी जी को चेयरमैन बनाना है और यहाँ से ज्यादा सभासदों को चुन के भेजना है। मुकाबला किसी से नहीं है हमारा, अब मुकाबला किससे नहीं, हम एक तरफा है। जनता का भरपूर सहयोग मिला, देख रहे हैं आप भाई, देख रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं माइक है ना गुजार जन सैलाब के साथ, तो इससे ज्यादा बढ़कर हमें खुशी क्या है कि हमें पूरी मोहब्बत मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए बसपा के प्रत्याशी सलाउद्दीन पहलवान ने कहा कि क्षेत्र में उनका किसी से मुकाबला नहीं है। चुनाव में जीत हासिल करने के पश्चात इलाके में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि पुष्पा देवी को चेयरमैन और उन्हें सभासद के पद पर जीत हासिल कराने के लिए लोग उनके पक्ष में मतदान करें।